सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। पंजाब कैबिनेट वालों 22 सितंबर को विधानसभा का विशेष सैशन सदन की प्रवानगी, सूबा सरकार के हक में पेश किया जाएगा भरोसगी मता। पंजाब विच झोने की खरीद 1 अक्टूबर तो होगी शुरू। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खरीद प्रबंधन की समीक्षा लई कीती बैठक। हरियाणा के सारे गुरुद्वारों का प्रबंध हुण हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने SGPC की पटीशन की खारिज। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब कैबिनेट ने सूबा सरकार के हक में भरोसगी मता लियाउण लई 16वीं पंजाब विधानसभा का तीजा विशेष सैशन 22 सितंबर 2022 नूं सदन की प्रवानगी दित्ती है। इस संबंधी फैसला मुख्यमंत्री की अगवाई हेठ पंजाब सिविल सकत्रेत विच मुख्यमंत्री दफ्तर विखे मंत्री समूह की मीटिंग दौरान लै लिया गया। मुख्यमंत्री दफ्तर के बुलारे ने दस्सिया कि कैबिनेट ने भारत के संविधान की धारा 174 अधीन सदन का विशेष सैशन सदन लई पंजाब दे राजपाल नूं सिफारिश करन दी प्रवानगी दित्ती है। बुलारे ने अगे दस्सिया कि सैशन सवेरे 11 बजे विछड़ियां शख्सियतां नूं श्रद्धांजलि भेंट करन नाल शुरू होवेगा। इस मगरों सूबा सरकार दे पक्ष विच भरोसगी मता पेश किया जाएगा। पंजाब विच झोने की खरीद नूं लैके मान सरकार ने तैयारियां कर लईयां ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने झोने के खरीद प्रबंधां दीआं तैयारियां नूं लैके मंत्रियां अते अधिकारियां नाल समीक्षा मीटिंग कीती। CM मान ने कहा कि इस बार 191 लाख मीट्रिक टन फसल मंडियों में आने की उम्मीद है। किसानों की फसल का हर दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि वह खुद मंडियों में जाके तैयारियों का जायजा लेंगे। दस दिए कि 1 अक्टूबर तो मंडियों में झोने की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 बरकरार रखे और एक्ट की संविधानिकता चुनौती देने वाली पटीशनों को खारिज किया है। दस दिए कि जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने हुक्म श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर हरभजन सिंह वालों 2014 लिया गए एक रिट केस में सुनाया। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी 2019 इस एक्ट को चुनौती देने वाली रिट पटीशन दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील रद्द कर दिया कि हरियाणा सरकार श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अधीन चलते गुरद्वारे उत्ते कब्जा करना चाहती है। उधर इस मामले उत्ते हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने सुप्रीम कोर्ट वालों श्रोमणी कमेटी की रिट पटीशन रद्द करने उत्ते खुशी जाहिर की है। उन्होंने वीडियो जारी करदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल और वकीलों का धन्यवाद किया। उन्होंने हरियाणा दी संगतां नूं वधाई दिंदिया कहा कि हुण हरियाणा विच इतिहासिक गुरद्वारा साहिबाना श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हेठ चल रहे स्कूलों कालजा ट्रस्टा मेडिकल कॉलेजों का प्रबंध सेवा संभाल हरियाणा दी संगतां वल्लों कीती जाएगी। देश विदेश में वसदियां समूह सिख संगतां नूं और खास करके हरियाणा निवासी संगतां नूं मैं अज लख लख मुबारकां वधाइयां दिंदा हां कि अज हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के हक विच मानयोग सुप्रीम कोर्ट के वल्लों फैसला किया गया कि हरियाणा के विचले इतिहासक गुरद्वारे स्कूल कॉलेज ट्रस्ट बोर्ड मेडिकल कॉलेज जो भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध में चल रहे सन उन्हां सारयां दा समुचा प्रबंध हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी करेगी। सो मैं संगतां नूं लख लख मुबारकां वधाइयां दिंदा हाँ। समुचे हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबाना वालों सारिया संगतां दे वालों मैं धन्नवाद करना चाहुंदा हाँ। साडे केंद्र दी सरकार भारत दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दा और नाल ही गृह मंत्री श्री अमित शाह जी दा मैं समझदा उन्होंने हरियाणे दे सिखां नूं अपने गुरद्वारियां दी सेवा संभाल दा हक दिता है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट दा धन्नवाद करदा हाँ। साडे हरियाणा दे मुख्यमंत्री मानयोग श्री मनोहर लाल खट्टर जी दा जिन्हां दे उद्यम ते उपराले होए जिन्हां दा पूरा सहयोग रहा हर तरह की कानूनी लड़ाई दे विच उन्हां ने अपने सरकारी वकीलों नूं भेजिया पूरा सहयोग दिता। मानयोग मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी मैं दिल दी गहराइयां चों धन्नवाद करदा हाँ।
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले उत्ते रिव्यू पटीशन पाउण दा फैसला किया। इस संबंध में सीनियर वकीलों की राय ली जाएगी, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी उसनू अमल में लिया जाएगा। यह कहना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी का। सब तो बड़ा क्योंकि अज सवेर वेले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जी सा हरियाणा कमेटी बनाई सी, किस वेले हुड्डा साहब ने वो चैलेंज की सी, तो वह फैसला पिछले दिनों के सुरक्षित रख लिया। अज वो फैसला आ गया, असी उहदी भी सारी घोख कर रहे हैं क्योंकि हले फैसले की कापी नहीं साढ़े कोल पहुंची। असी अपने अधिकारी दिल्ली नूं भी भेजे आ, ते वकीलां दे नाल भी असी सलाह मशवरा कर रहे हैं, ते अज एग्जैक्टिव ने भी बैठ के फैसला किया कि उहदी रिव्यू पटीशन जिहड़ी उह तुरंत पाई जाए। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं मानता देण नूं लैके सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले नूं लैके सिखां विच भारी रोस पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी देश की वंड तो पहलों की संस्था है। उन्होंने भी कहा कि जो सूबे की वंड हुई तो हरियाणा में भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट बरकरार सी, पर हुण इस नूं तोड़ के हरियाणा प्रबंधक कमेटी नूं मानता देना कौम उत्ते हमला है। सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि असी पार्टी की मीटिंग सदी है। उन्हें कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नूं भी मीटिंग में सद्या गया। उन्हें भी कहा कि सिखां नूं कमजोर करने की साजिश है। द्वारा प्रबंधक कमेटी तोड़न का जिहड़ा फैसला किया है, जिते हरियाणा की अलग कमेटी नूं मानता देने का फैसला होया, मैं कह सकता कि सिख पंथ के इहदे बहुत वड्डा रोस है, एक बहुत वड्डा धक्का सिख कौम नाल होया, साडी इंस्टीट्यूशन नाल होया। SGPC कोई ऑर्डनरी कमेटी नहीं, देश की आज़ादी तो पहले ही बनी कमेटी है। जदों मसंद गुरु घर अंदर गलत काम करते सी, उदों सिख पंथ इकट्ठा होया, उन्होंने फैसला करके मोर्चे ला के संघर्ष करके शहादता दे के आ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाउण दा फैसला किया। असी इमीजिएटली अपनी पार्टी दे सीनियर लीडरशिप दी मीटिंग सदी है, प्रधान साहब SGPC नाल भी गल हो रही है कि नैक्सट स्टैप आपां नूं करना चाहिए, लीगल टीम नाल भी साडी डिस्कशन चल रही है। पर जो इन्होंने धक्का किया वह सिख कौम नूं मंजूर नहीं है। मैं तुहानूं क्लीयर करना चाहुंदा, मैं सिख संगत नूं भी बेनती करना चाहुंदा, आपां पछाणीए कौन आपां कमजोर करना चाहुंदा, कौन आपां जोड़ना चाहुंदा। वह ताकतां लगातार लगियां जिन्हों का हर बार असीं जिक्र किया, भावें कांग्रेस है भावें अज दी सेंटर की सरकार है, कोई अपने भले की गल नहीं सोच रहा, सारे इको एक गल सोच रहे हैं कि अपनी कौम नूं कमजोर किया जाए। BJP के सिख आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने हरियाणा की वक्री कमेटी बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले बारे कहा कि वधिया गल है। उन्हें कहा कि हरियाणा के सिखां नूं ताकत मिली है। उन्हें कहा कि सानू राजनीतिक तरीके नाल नहीं सोचना चाहिए। उन्हें कहा कि हरियाणा के सिखां ने अपना हक लड़के लिया, इसलिए वह वधाई दे पात्र ने। अज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिता कि हरियाणा की वक्री कमेटी होगी, हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, एक बहुत ही शलाघायोग फैसला। मैं देश भर के सिखां दसना चाहना, ये एक वक्री ताकत मिलेगी हुण हरियाणा के सिखां। जिस तरह दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी पूरी दुनिया च जानी जाती है, तख्त श्री पटना साहब की कमेटी पूरी दुनिया च जानी जाती है, तख्त श्री हजूर साहब की कमेटी भी पूरी दुनिया च जानी जाती है। हरियाणा अणगौलिया गया, हरियाणा की लीडरशिप भी उभर रही थी, हरियाणा के सिख मसले भी जिहड़े सीगे वह पंजाब दे तक सीमित रह जाते। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हल करे तो करे, नहीं करे तो हरियाणा के सिख उलझण च रह जाते। सो अज हरियाणा के सिखां नूं एक वक्री ताकत मिली आ, और मैं इस गल की वधाई हरियाणा के सिखां नूं दिंदा ए जिन्होंने लड़के ये ताकत लई आ, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं वैसे तो खुद ताकत उन्हें देनी चाहिए सी कि आ तुहाडा हक आ, तुसीं अपनी कमेटी वक्री बनाओ और साडी सरप्रस्ती नूं मन्नो। असीं भी सरप्रस्ती श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मानते रहे हां दिल्ली च, अज के मौजूदा प्रधान भी उन्होंने ही सरप्रस्ती मानते हैं। श्रोमणी कमेटी की सरप्रस्ती मनना हर सिख का फर्ज बनता है, पर बाकी सिख जिहड़े आ सूबियां च खुद मुख्तियार होण, यह फर्ज श्रोमणी अकाली दल का बनता सी, जिन्होंने हमेशा सानू अणगौलिया किया है, साडा नुकसान किया है। मैं अज सिखां नूं वधाई दिंदा है
देश भर के सिखा हरियाणा के अंदर एक वक्री ताकत मिली आ और हरियाणा के सिखा इस गल की बधाई देना है कि तुम लड़के ताकत ली आ और अज की इस ताकत न आने वाले समय च हरियाणा के सिख मजबूत हो गए। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने हरियाणा कमेटी बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्हें कहा कि इतिहासक फैसला इस नाल हरियाणा के सिखा वक्री पछाण मिली है। सब तो पहला तो मैं हरियाणा के सिखा बधाई दिंदा और एक इतिहासिक जिहड़ा फैसला आया अज हरियाणा के सिखा अपनी अलग आइडेंटिटी मिली है और ये सिख धर्म का प्रचार प्रसार जिहड़े हरियाणा के सिख कई सालों तो डिपेंडेंट सी एस जी पी सी के उत्ते देखते सी और एस जी पी सी जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल के अधीन चलती है वो अपने राजनीतिक उन्होंने मुफाद वखरे रहे हैं इस करके जिहड़ा काम और प्रसार प्रसार कमियां रही अज वो पूरी होणगियां और मैनू पूरी उम्मीद है कि ये जिहड़ा संगतां नू वादा मिलना उत्थे दी लोग जिहड़े अपने गुरु इतिहास दे नाल गुरु दे नाल ज़्यादा तो ज़्यादा जुड़न। हरियाणा की वक्री कमेटी बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद हरियाणा के सिख आगू बागो बाग नज़र आ रहे हैं। कंवलजीत सिंह जराणा ने गुरद्वारा पातशाही सेवी कुरुक्षेत्र में प्रैस कॉन्फ्रेंस की जिस में जराणा ने कहा कि अज का दिन बहुत खुशी का दिन है। उन्हें कहा कि हरियाणा की संगत की जित है। उन्हें यह भी कहा कि हरियाणा कमेटी और समूह संगत रल के प्रबंध चलाउणगियां। असीं सब तो पहला गुरु साहब जी का धन्यवाद करते हैं। उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट के अज जो फैसला आया वह स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं माननीय उच्च न्यायालय का। इस लड़ाई सन 2000 तो हरियाणा के सिख लड़ रहे सन तो अज 22 साल बाद जड़ा फल लगा है। सब तो पहला धन्यवाद करना मैं सारिया का सिख अपनी जथेबंदियों का वीर का जिन्हों ने इस लड़ाई के थोड़ा बहुत जिन्ना भी साथ दिता है वह सारिया का धन्यवाद। वो सब तो पहला सन 2004 के असी ये इलैक्शन लड़ी, 7 असी सीटा जीते। संगतां ने उदों ही फतवा जारी कर दिता सी कि सानू हरियाणा की कमेटी चाहिए है। उस तो बाद बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी सन 2014 दे विच एक पंडीशन पै गई सुप्रीम कोर्ट दे विच। उहदा जिहड़ा अज फैसला आया वह हरियाणा के सिखां दे हक च आया है, हरियाणा कमेटी के हक च आया है। असी उस सारिआं दा स्वागत करने हैं, धन्यवाद करने हैं। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण ते खेड ते युवा मामलों बारे मंत्री अनुराग ठाकुर अमृतसर अंतरराष्ट्रीय श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट उत्ते पहुंचे। इस मौके उन्होंने पत्रकार नाल गलबात की अते कहा कि भारत सरकार खेडां विच वड्डे काम कर रही है ते खिडारियों नूं चंगीआं सहूलतां दित्तीआं जाणगीआं। दस दिए कि अनुराग ठाकुर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के 52वें सालाना खेड इनाम वंड समारोह में शमूलियत लिए अमृतसर पहुंचे सन। खेलों लिए बल्कि शिक्षा लिए भी जानी जाती है तो जो प्रेम स्नेह इतने आके मिलता है युवाओं के तौर पर विशेष तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता आके बहुत चंगा लगता है। बहुत सारी पॉलिसिया ने हमने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है उस सारी जानकारी भी तुम्हें दी जाएगी किदा केंद्र की सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने लिए सारे काम किए हैं जिदे करके चाहे ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, डैफ ओलंपिक्स हो या कॉमनवेल्थ खेल हो सारिया ही भारत के खिलाड़ियों ने बहुत चंगा पहले उन्होंने प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों को लगातार सम्मानित भी किया गया तो दूसरी गल प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अपने निवास स्थान पर बुला के खिलाड़ियों को मिलने का काम भी किया जो अज तो पहले नहीं हुआ। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर दुआबा कॉलेज जलंधर पहुंचे। उन्होंने कॉलेज में कन्वोकेशन के समागम में मुख्य मेहमान वजों शिरकत की। इस मौके पत्रकार नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे भाजपा में शामिल होने तो बाद भाजपा को भी फायदा होगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी। ऑपरेशन लोट्स बारे बोलदे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब के लोगों का ध्यान असल मुद्दे तो भटकाने लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने अजिहा किया है। यहाँ पे फंक्शन है दुआबा कॉलेज में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो गर्मजोशी से स्वागत किया इनका आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ लंबे समय तक काम करने का अवसर भी मिला और जिनके बीच में वापस एक बार फिर आकर बहुत अच्छा भी लग रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बीजेपी के हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उनको कौन सा जो है चरण उनका स्वागत करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का लंबा अनुभव रहा है और भारतीय जनता पार्टी में आने का उनका पार्टी को भी लाभ मिलेगा और उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में जो आस्था जताई है कि देश को और मजबूत कर रहे हैं हर फ्रंट पर उसका भी हम स्वागत। पंजाब में जो जलंधर के वेस्ट हल्के के एमएलए साहब लोग बोला जा रहा है जो बीजेपी को हमको फोन करके खरीदने की कोशिश ये मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है। खेतीबाड़ी और किसान भलाई विभाग पंजाब वालों किसानों नू खेती संद सबसिडी उत्ते देने लई गुरदासपुर के पंचायत भवन में लकी ड्रा कढ़े गए। इस मौके डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर जनाब मुहम्मद इशफाक SDM गुरदासपुर श्रीमती अमनदीप कौर घुमण मुख खेतीबाड़ी अफसर डॉक्टर कमलप्रीत सिंह समेत किसान अते मीडिया की हाजिरी में सबसिडी उत्ते दिए जाने वाले खेती संद सुपर सीडर लई किसानों के नावों के
206 लकी ड्रा कढ़े गए। ड्रा कढ़ने की सारी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही है। किसानों वालों खुद लकी ड्रा दी पर्चियां कढ़ी गई। इस दे नाल ही ड्रा कढ़ने की समुची प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। डिप्टी कमिश्नर जनाब मुहम्मद इशफाक ने लकी ड्रा संबंधी जानकारी साझी की। बिना पराली अग लाए उहदे विच ही कणक की जिहड़ी बिजाई की जा सकती है। इहदी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इहदा मतलब यह है कि किसान भी लाभ चाहते हैं कि पराली अग ना लाउण। साढ़े को टोटल 2300 तो वध एप्लीकेशन आई ने जिदे विच किसानां ने सुपर सीडर की सबसिडी की मंग की है। असी 121 पहले दौर च कढ़े सीगे, 91 उस दूजे दौर दे विच, ते अज असी 206 जनरल कैटागरी वास्ते टोटल 418 सुपर सीडर असी दिते ने। इस तो अलावा 7 असी सुपर सीडर होर दिते ने जिहड़े कि SC कैटागरी ने। टोटल साढ़े 425 जिहड़े सुपर सीडर जिहड़े असी अज कर दिते ने। ये जिहड़ी सिलैक्शन है साढ़े लाभपात्रियों की, असी बिल्कुल पारदर्शिता दे नाल लक्की ड्रा कढ़ के कीती है और सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। हर चीज़ की मंतव इको ही है कि जिहड़ी स्कीम का लाभ है वह हर एक बंदे नूं बिना किसी भेदभाव तो मिल सके, बिना किसी सिफारिश तो मिल सके। हुण मैं इको अपील करांगा किसान वीरां नूं कि आपां इस वारी अपनी पराली नूं अग ना लाईए। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की एक विशेष एकत्रता श्री गुरु रामदास मैडिकल कॉलेज में हुई, जिस विच गुरद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब बाबा बकाला साहब विखे सूरजी ऊर्जा प्लांट लगाउण नूं प्रवानगी दित्ती गई। श्रोमणी कमेटी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने दस्सिया कि कुदरती सोमें की वरतों के रुझान में वाधा करने लिए श्रोमणी कमेटी निरंतर कार्य कर रही है। इस तहत पहला ही कई गुरद्वारा साहबान सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं। इस दे नाल ही श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने भी दस्सिया कि शहीदी साका श्री पंजा साहब की 100 साल शताब्दी में लैके तैयारियां की जा रही ने। पाकिस्तान में समागम की रूपरेखा उलीकण श्रोमणी कमेटी का वफद जल्द ही पाकिस्तान जाएगा। सब तो पहला मुद्दा सी श्री पंजा साहब की शताब्दी का साका जिहड़ा पंजा साहब गुरु के बाग के मोर्चे की असं शताब्दी पहला मना चुके हैं। तो साडा पिछले दिन ही एक वापस गया सी दिल्ली, जिहड़ा उत्थे दे सफीर साहब नूं पाकिस्तान दे मिल के आया। तो हुण साडी एक 5 मैंबरी जिहड़ी टीम है वो पाकिस्तान जाऊगी, उत्थे जिहड़े अगाऊ प्रोग्राम उस शताब्दी लई करने आ वो सारे तय करके आउणगे। उस तों अलावा साढ़े तकरीबन उत्थे पाकिस्तान नूं डिटेल भी भेजी जा चुकी है सारी, वो जिहड़ा हुण वापस जाऊगा वो बैठ के उहनां दे नाल वो सारे मिलने वो करेगा। एक क्योंकि बिजली का हुण सोलर सिस्टम जिहड़ा लगभग बहुत सारिया जगह पर लग रहा, साढ़े धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के पवित्र स्थान श्री बाबा बकाला विखे, उत्थे साड़ी प्रपोजल बनी है भी वह तकरीबन असी उत्थे सारा जिहड़ा बिजली का सिस्टम है वह सोलर दे नाल शुरू की करन दी तैयारी की। उहदा भी अज डिस्कस होया भी उत्थे तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया लगना, वो जिहड़ा सिस्टम है वह सारा दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पहले पातशाह साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के ज्योति जोत समाउण का पुरब गुरद्वारा नानक प्यो साहब विखे बड़े श्रद्धा सत्कार मनाया गया। इस मौके भरवीं गिणती में संगतां गुरु घर में नतमस्तक हुई गुरबाणी कीर्तन सरवण किया। दिल्ली कमेटी प्रधान हरमीत सिंह कालका ने संगत को भरोसा दवाया कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब उत्ते संगतां नूं जल्द होर भी मैडिकल सुविधावां दा लाभ दिता जाएगा। इस मौके धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन जसप्रीत सिंह करमसर तो इलावा दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर मीत प्रधान हरविंदर सिंह केपी MPS चड्डा विक्रम सिंह रोणी ने भी हाजिरी भरी। अज जिहड़ियां इत्थे संगतां पहुंचीयां गुरद्वारा गुरु नानक नानक देव साहब गुरु महाराज नूं अकीदा भेंट करन और ज्योति जोत पुरब नूं नतमस्तक होना ही मैं उन्हां दा सारिआं दा धन्नवाद करदा, क्योंकि यह पुरब जिहड़ा है बहुत इंपोर्टेंस रखता है सिख इतिहास के। जिस तरीके दे नाल गुरु नानक देव महाराज जी ने अपने आखिरी समय के किरत करते हुए करतारपुर साहब विखे जिस वक्त ज्योति जोत समा गए, उस तो बाद जिस तरीके दे नाल जद लड़ाइया पै गई कि हिंदू कहिंदे सी कि साडा गुरु मरिया और जिहड़ा मुसलमान कहिंदे सी कि साडा पीर गया, सो इहदे उत्ते क्योंकि मरण की और पीड़ की तो बहुत उच्चे सी गुरु नानक देव महाराज,
सो जिस वक्त उन्होंने उन्होंने यदा कोई फैसला ना होया और ये ज्योति जोत पुरब का गल जी है उस सिख सिख धर्म उस दिन तो मना आ रहा और जिस तरीके दे नाल एक जोत तो बाद दूजी जोत और लगातार गुरु महाराज के गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो बाद अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज को अकीदा भेट करते सिख एको ही जोत गुरु नानक देव जी की उन्होंने ही सारे मनते हैं। सो अज सारे इतने पहुंचे ने मैं उन्होंने सारे का धन्यवाद करता। अज दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों संगत के सहयोग के नाल गुरद्वारा नानक प्याऊ विखे गुरु नानक साहब जी का ज्योति जोत पुरब जिहड़ा वो मनाया जा रहा है। वड्डी गिनती दे विच संगत इत्थे नतमस्तक हो रही है अमृत वेले तो ही और गुरु नानक साहब जी का जो उपदेश है जो उन्होंने सानू गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लाया गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के उत्ते पहरा देन की लोड़ है। जो असी गुरु नानक साहब का ज्योति जोत पुरब मना रहे हैं तो सानू गुरु नानक साहब दी जो सिक्ख्यावां है उहदे उत्ते चलन की लोड़ है क्योंकि गुरु नानक साहब ने सानू कर्मकांडा तो बचाया सानू ਧਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਤ ਉਹਾਂ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਭਲੱਟੀ ਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। 10 ਵਾਰ ਇਹ ਜੋਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜੋਤ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਿਓ ਪਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹਿੱਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਖਨੂਜਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਕੋ ਜਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸਕੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਆਨੇ ਔਰ ਜਾਣੇ ਕੇ ਜੋ ਕ੍ਰਮ ਮੇ ਉਸਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਏ ਗਏ ਜੋ ਕਾਮ ਜੋ ਕਰਮ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਗੋ ਕੇ ਬੀਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਜੋ ਛਵੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਤੇ ਹੈ। ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਜੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ 10 ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਚਲ ਵਸੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਰਹੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ
32 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के देने की बात करके वो जमीन ली थी, और जब ये प्रधान बने और उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री से जब मिल के कहा कि हमारे पास 32 करोड़ नहीं, हम कहाँ से दे पाएंगे, ये तो हमारा सोशल वर्क के लिए हम लोग जमीन ले रहे हैं, तो इन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने उस जमीन को 32,80,000 में देने का वायदा किया, और वो जमीन बाला साहब अस्पताल जो बना वो इनके समय में जमीन ली गई थी। और जैसा कि आपको पता होगा कार सेवा बाबा हरबंस सिंह जी दिल्ली वाले, जो कि सभी जगह गुरुद्वारों की सेवा करते हैं, गुरुद्वारों की इमारतें स्कूल बनाते हैं, और पहली बार इनके प्रधान जी के आग्रह पर उन्होंने अस्पताल बनाने का वायदा किया, और बाला साहब जो बहुत बड़ा अस्पताल बना है वो इनके कार्यकाल में उस समय बना। इसी तरह जो सरना जी हैं पहले प्रधान रह चुके वहाँ पे, उनके मुँह से भी मैंने सुना कि ये चाहे एक बार प्रधान बने पर जितने भी जब भी कमेटियाँ बनती थी और इनकी सलाह से ही बनती थी, और ये अपने पक्ष के लोगों को ही प्रधान बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे। इसी तरह उनके मन में तखत साहब पटना साहब के लिए भी काफ़ी सोच थी कि लंगर हाल का काम हमारा अच्छा होना चाहिए, लंगर हाल का अच्छा बनकर तैयार हुआ। अमृतसर विच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आगू सरवण सिंह पंधेर ने किसानों नूं मुड़ केंद्र सरकार खिलाफ लामबंद होने का सद्दा दिता है। उन्हें कहा कि केंद्र सरकार ने बिजली की वंड नूं निजी हत्थां विच देण बाबत नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस नाल पंजाब उत्ते माड़ा असर पै सकता है। उन्हें कहा कि पंजाब सरकार इस मामले उत्ते सख्त स्टैंड लवे। जिहड़ा केंद्र ने रात फैसला किया वा, केंद्र दे बिजली मंत्रालय ने कि जिहड़ा हुण आ बिजली वंडण दा काम वह प्राइवेट कंपनियां करनगियां, नोटिफिकेशन हो गया, जड़ा डिस्ट्रीब्यूशन दे रूल्स है बिजली सैक्टर दे विच 2022 दा एक नोटिफिकेशन आ गया साडे सामने, तो यह बिजली दी वंड दा काम हुण कारपोरेट घराणियां नूं देण दा फैसला यह पंजाब दे हक्कां ते डाका वा, और यह असिधे रूप विच जिहड़ा बिजली संशोधन बिल आ उहनूं ही लागू ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਕੱਢਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਗ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਗ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।